एक एजुकेशन सोसाइटी है, मदर स्पेसिक्स एजुकेशन सोसाइटी, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से रजिस्टर्ड है। संस्था को जो फाउंडर मेंबर थे सभी के सभी टीचर्स है, रिटायर्ड टीचर्स है। बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट जो है स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स पढ़ता है, साइंस मैथ्स इंग्लिश, लेकिन पढ़ने के लिए जो ब्रेन चाहिए होता है वो स्कूल के करिकुलम का हिस्सा नहीं होता, उसके लिए एक अलग से वर्कशॉप की जरूरत होती है, जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया। इस वर्कशॉप को लिटिल जीनियस का नाम दिया गया। लिटिल जीनियस नाम देने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि एक जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, इनफैक्ट 90% से ज़्यादा डेवलपमेंट 5 से 14 ईयर्स के बीच में होता है। बच्चा जब स्कूल में फर्स्ट क्लास में आता है और 10th क्लास पास करता है, उसके बीच में उसके ब्रेन का 90% डेवलप होता है। तो ये चीज़ बच्चों को स्कूल में बताई जानी चाहिए। उसे क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। आसान भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो क्लैमिंग ब्रेन होता है, वो चीज़ों को हमें रटना या याद करना सिखाता है, जबकि जो राइट ब्रेन होता है वो चीज़ों को लॉजिकली सीखना और उनसे आगे नई चीज़ें क्रिएट करना सिखाता है। हमारा जो स्कूली सिस्टम है वो राइट ब्रेन को थोड़ा सा कम डेवलप करता है। करने के दो रीज़न है कि आज भी हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, टाइम के साथ उसमें चेंज नहीं आए। दूसरे, हमारे बॉडी और ब्रेन का क्रॉस कनेक्शन होता है, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है राइट हैंड से जुड़ा होता है और जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट हैंड से जुड़ा होता है। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि राइट हैंड से लिखते हैं तो ब्रेन की जो लेफ्ट साइड होती है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, राइट साइड नहीं होती। तो हम अपनी वर्कशॉप के थ्रू कुछ एक्सरसाइज कुछ टेक्निक्स बच्चों को सिखाते हैं जिसमें उनके ब्रेन की राइट साइड डेवलप करते हैं। दूसरी चीज, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया भर के बच्चों को बहुत ज़्यादा डराता है, तो हमने अपने ट्रेनिंग का जो मोड बनाया हुआ है वो मैथ्स सब्जेक्ट को बनाया हुआ है। मैथ्स में दो चीज़ें हम लोग लेते हैं, एक वैदिक मैथ्स, उसमें कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो हजारों साल पुराने हैं लेकिन बच्चे वो सीख लेते हैं तो एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा भी कंप्यूटर्स को कैलकुलेशन में हरा सकता है। दूसरे में मैजिक मैथ्स है कि अगर बच्चे के मन में मैथ्स का फोबिया और नंबर्स को देख के ही डरता है तो हमने मैथ्स के उनकी बुक्स में जो फार्मूलाज होते हैं उनके मैजिक गेम्स बनाए हैं, बच्चों को खिलाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उसके बाद बच्चों के मन से मैथ्स का डर भी निकल जाता है और वो मैथ्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा करना शुरू कर देता है। तो ये संस्था जो हमने 2009 में फॉर्म की थी, एक छोटे से स्कूल से 42 स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, आज जब हम हिमकिरण स्कूल में आए हैं, इससे यहाँ आने से पहले 800 से ज़्यादा स्कूल तो 2 लाख के करीब बच्चे ट्रेन कर चुके हैं और उसमें 80% बच्चे हिमाचल के रूरल एरिया से हमने ट्रेन किया और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। इससे में ट्रेनिंग है, एक हिस्से में कॉन्टेस्ट है। जो ट्रेनिंग पार्ट है वो सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर चार्जेस ही ले जाते हैं। इसके साथ इसमें जो कॉन्टेस्ट जोड़ा हुआ है उसकी एक नॉमिनल सी फीस दी जाती है, वो 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट वन टाइम है। उसमें बच्चे का 2 लेवल पर टेस्ट होता है, एक स्कूल एक स्टेट। स्कूल लेवल टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, 70% से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, वो फिर स्टेट पे जाके दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पीट करते हैं। वहाँ पे जाके जो बच्चे अपने अपने ग्रुप में टॉपर होते हैं उनको फिर प्राइजेस दिए जाते हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट से बेस्ट स्कूल निकाला जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट से बेस्ट टीचर्स भी निकाले जाते हैं, उनको भी प्राइज दिए जाते हैं। हमें हिमकिरण स्कूल में आके काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि स्कूल में छात्रों की संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन स्कूल में जो बच्चों में डिसिप्लिन देखा और बच्चों की जो अडॉप्टेबिलिटी देखी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो काबिले तारीफ है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले 3 दिन में, अच्छा करेंगे और यहीं से बड़े बच्चे जो है निकल के प्राइजेस जीतेंगे और बड़े स्कूलों के बच्चों को अच्छा कंपटीशन देंगे। मदर्स ब्लेसिंग्स, ये जो सोसाइटी मेंबर्स हैं इनका भी और सोसाइटी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने मेरी पाठशाला को चुना और इतने सही ढंग से मैथमेटिक्स का बच्चों को ज्ञान दिया जिससे बच्चों की जो ये मेंटल लेवल जो है और विकसित। मैं चाहूँगी कि इस तरह के जो ये वर्कशॉप्स ये लगा रहे हैं और इतना अच्छा कार्य ये कर रहे हैं, सभी पढ़ा लिखा वर्ग इनको सहयोग दे और हर प्रकार के जो बच्चे हैं जिनका स्तर बिल्कुल 0 लेवल तक है उनका भी, ताकि उनका विकास हो।